नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज 17 मई 2021 को बीएमसी वायरोलॉजी लैब और अन्य लैब से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 201 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा 11 व्यक्ति जिनका इलाज चल रहा था बीएमसी से, स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। वहीं 3 व्यक्ति जो कोविड में जिनका इलाज चल रहा था उनकी मृत्यु की खबर है। तो आज का यही अपडेट है, सावधानी बनाए रखें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमेश पटेल, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश से। आज दिनांक 17 मई का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से संबंधित हेल्थ बुलेटिन देना चाहूंगा। बताना चाहूंगा कि आज हमारे यहां पर कुल 18 पॉजिटिव मरीजों को एवं 16 संदिग्ध मरीजों को भर्ती किया गया है। आइसोलेशन में आज कुल भर्ती मरीजों की संख्या है 143। हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भर्ती कुल मरीजों की संख्या है 78। 98 ऐसे मरीज हैं जो कि गंभीर स्थिति के हैं, उनमें से 63 मरीजों को आईसीयू में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है, उनमें से 8 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। साथ ही 26 मरीज ऐसे हैं जो स्वस्थ हो चुके थे, उनको आज बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।